हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से, यानी चैप्टर टू का क्वेश्चन है। आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखें। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया है 2018 में। ये क्वेश्चन उन्होंने इस सैंपल पेपर में डाला हुआ है। आइए क्वेश्चन को एक बार रीड करें। क्वेश्चन कहता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। तो हमें पीएसआर दे रखी है क्वेश्चन ने। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। हमें 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट भी गिवन है। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल है, रिजर्व फंड है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। इसके अलावा हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं और करेंट एसेट्स हैं। ठीक है, आगे देखिए। फ्रॉम अप्रैल 1, 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करना चाहते हैं। यानी ये रेशियो क्या हो गई हमारे पास, ये ओल्ड रेशियो हो गई है। और क्योंकि रेशियो चेंज कर रहे हैं वो, तो ये इक्वल जो रेशियो है, नई फ्यूचर वाली रेशियो, ये क्या कहलाएगी, ये न्यू रेशियो हो गई। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन क्या कहता है। नाउ जो चेंज हो रहा है प्रॉफिट में इन लोगों के, उसके लिए कहता है, फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन, ये चीज़ें तय हुई इस चेंज इन पीएसआर के समय। पहला कि गुडविल जो होगी वो 3 लाख रुपए की होगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है, फिक्स एसेट जो हैं उन्हें डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो ये रिवेल्यूशन हो गया, रिवेल्यूशन है लॉस हमारा। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री कहता है, एक्सपेंसिस ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स सर्टिफाइड, कि जो आपने रिवेल्यूएशन कराया या वैल्यूएशन कराया उसको सर्टिफाई करने के लिए ₹3,000 का खर्चा भी हुआ है फॉर्म का। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर जो है वहाँ कहता है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ये कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आ गई है, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आ गई। कहता है कैपिटल जो है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रेशियो में होगी ये। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पज, और ये एडजस्टमेंट कैसे होगा, जो प्रॉफिट जो कैपिटल चेंज होगा वो आप करेंगे थ्रू करंट अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। यानी यहाँ जाके करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, ये मत सोच लेना यहाँ पर हम लोग पहले फिक्स मेथड यूज कर रहे थे कैपिटल का, नहीं, इस पर्पस के लिए केवल करंट अकाउंट ओपन करना है। यानी बाकी एडजस्टमेंट में आप कैपिटल अकाउंट ही यूज करेंगे। अगले साल हो सकता है जब ओपनिंग दिखेगा करंट अकाउंट का, तो फिर आप काम कर लें कि इसे फ्लैक्चुएट फिक्स मानकर। नाउ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है हम लोगों से। क्वेश्चन कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। आइए, जब जर्नल एंट्रीज की बात आती है तो सबसे देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन एडजस्ट करनी है। उसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में भी कुछ चीज़ें हैं एडजस्ट करने के लिए, और वो क्या है, रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड दे रखा है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो रिजर्व फंड को हम क्या करते हैं जी, हम पीएसआर में बांट देते हैं। पीएसआर क्या है, 3:1, एबीसी पार्टनर है और 18,000 का हमारे पास रिजर्व फंड है। आइए सबसे पहले इस रिजर्व फंड को बांट लें हम लोग, और तो कुछ नहीं है ना हमारे पास यहाँ से। हाँ चलिए, आइए जी, तो ये जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, तो हमारे तीन पार्टनर हैं और पहली एंट्री कर रहे हैं हम लोग 31/3/17 को। हम बांट रहे हैं इस जनरल रिजर्व को। सो जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड नाम था ना, तो रिजर्व फंड नाम यूज रखो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। तीनों पार्टनर्स को ये जो रिजर्व फंड था इसे हमने बांट के दे दिया पार्टनर्स में। रेशियो है हमारी 3:1। 3:1 का मतलब कितना हो गया, 6 हिस्से करो आप जरा 18,000 के, 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 3,000। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,000। ठीक है, मैंने 18,000 को 3, 2, 1 में बांटा है। मैंने लिख भी देता हूँ, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1 में बांटा हमने। आइए जी, तो 9,000, 6,000 और 3,000 रुपये हो गया जी 18,000। ये लीजिए, तो ये पहला काम किया आप लोगों ने। इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज़ पर चलें, तो नेक्स्ट चीज़ पर चलने के लिए देखिए हमारे पास इन्होंने, हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया है। इसके बाद क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है। ठीक है जी,
इसके अलावा आ जाइए आप लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या होगा, अच्छा ये रिजर्व फंड हमने क्यों बांटा है, किसी बच्चे की क्वेरी है, बच्चे अगर रिजर्व फंड अभी बांटोगे नहीं ना तो इनका डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा कि ये रिजर्व हमने ओल्ड रेशियो में कमाया है, बाकी फ्यूचर में रेशियो चेंज हो रही है तो अब नए में बांटेंगे या पुराने में, इसलिए हम इसे आज ही बांट लेते हैं। इसके बाद आते हैं गुडविल पर। गुडविल है 3 लाख रुपए की फॉर्म की, ठीक है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आइए गुडविल की एंट्री करनी है तो सॉल्यूशन में हमारा ये पहला वर्किंग नोट होगा गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे बांटेंगे ओल्ड और न्यू में कंपेयर करेंगे। वैसे तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो निकाल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइजिंग को, बट हम रेशियो में ना अमाउंट में बात कर रहे हैं आपके साथ, तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप इसे अमाउंट वाइज देख लो। तो 3 पार्टनर हैं और 3 लाख की गुडविल है। ये जो गुडविल है, गुडविल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड पी एस आर। ओल्ड पी एस आर में बटनी चाहिए थी। ओल्ड पी एस आर क्या है, 3-2-1 में, ठीक है। तो हमारे पास 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख को ज़रा 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 6×5 ये यानी 50,000 रुपये आ गया एक हिस्सा। 50×3 यानी 1,50,000 रुपये, 50×2 यानी 1 लाख रुपये, 50×1 यानी 50,000 रुपये। तो ये ऐसा होना चाहिए गुडविल को, क्योंकि गुडविल क्या है, हमारी पास्ट के एफर्ट्स के कारण फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, तो इसे इस रेशियो में बटना चाहिए। बट क्योंकि अगर रेशियो चेंज हो रही है हमारी, तो फ्यूचर में ये पैसा कैसे बटेगा जी, ये नई रेशियो में बट जाएगा, क्योंकि आज तो मिला नहीं है, तो उसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं। वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल इन न्यू पी एस आर, न्यू पी एस आर में बांटेंगे, दैट इज इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में आप इसे इक्वली बांटेंगे, तो इक्वली बांटेंगे तो 3 लाख का क्या हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करने की बारी आती है, बात करते हैं हम लोग कंपेरिजन में। देखो सही क्या था, सही ये था कि ये गुडविल ओल्ड रेशियो में बटनी चाहिए, बट फ्यूचर में अगर आज नहीं बांट रहे हो, जो भी फ्यूचर में मिलेगा तो न्यू रेशियो में मिलेगा, उसी झगड़े को खत्म कर रहे हैं। ए को मिलना चाहिए था 1,50,000 इसमें से, पर फ्यूचर में कितना मिलेगा, केवल 1 लाख, तो इसे आज 50,000 रुपये और दे दें, झगड़ा खत्म ए का। ऐसे ही अगर बात करें बी की, बी को मिलना भी 1 लाख चाहिए और भविष्य में भी यानी फ्यूचर में भी 1 लाख मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी की बात करो, सी को मिलना चाहिए 1 लाख बट फ्यूचर में मिलेगा कितना, एक नहीं मिलना चाहिए 50,000, फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए, तो इससे 50,000 रुपए वापस ले लो, वापस ले लो यानी इसका अकाउंट डेबिट कर लो। तो ये गुडविल एडजस्टमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एडजस्टमेंट आ गया, 50,000 ए सी से लो और ए को दे दो। आइए इसकी भी एंट्री कर दें गुडविल एडजस्टमेंट की हम लोग आपके साथ। ये लीजिए एंट्री नंबर सेकेंड, ए से लो, किससे लेना था, ए से लेना था ना, मैं भूल गया लिखने के बाद, क्योंकि मुझे और भी याद रखना पड़ता है ना, हाँ सी से लो और ए को दो, सॉरी, हाँ सी से लो जी। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, सी से लिया हमने, उसका अकाउंट कम कर दिया और इस अमाउंट को कहाँ जोड़ दिया, ए के अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अमाउंट कितना आ गया, 50,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अमाउंट पर चलेंगे। नेक्स्ट के लिए यहाँ पहले नरेशन लिख लो, गुडविल एडजस्टेड वर्किंग नोट नंबर 1 में आप देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमारे पास अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ हमारे पास ये करने के बाद है फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करना है। फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा है नुकसान, नुकसान, तो ये रिवैल्यूएशन के कहाँ जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, तो रिवैल्यूएशन इसके कारण डेबिट हो जाएगा, नुकसान है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट को कितने से डेप्रिशिएट करना है जी, फिक्स एसेट को 10% से डेप्रिशिएट करना है। फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है बुक्स में, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 10% कितना बनेगा बताओ, 1.5 लाख का 10% बनेगा 15,000 रुपये, 15,000 से आपने कम कर दिया। इसके अलावा अगर देखें तो उसने ये भी कहा है
कि हमने कैश भी पे किया है इसे सर्टिफाई करने के वैल्यू के एसेट के लिए, तो वो हमारे यहाँ से पेमेंट गया, हमने पे कर दिया, बट हुआ तो हमारा नुकसान ही है, तो हमने यहाँ पे किया है कैश, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए यही आ गया, सर्टिफिकेशन के लिए 3,000 रुपये का खर्चा आ गया जी। ये बात क्लियर है आप लोगों को? नहीं है पहले एक बार मुझे बता दो, ठीक है। कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिख लेना, ज़्यादा अच्छा है बैंक लिख लो, ठीक है। आइए, तो हमारा ये रिवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद देखें हम लोग, हमने ये दो पॉइंट कर लिए, पॉइंट नंबर 2 हो गया और पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। इसके बाद आते हैं आखिरी में कि कैपिटल जो है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगी, यानी इक्वल होनी चाहिए तीनों पार्टनर्स की। तो कैपिटल नई रेशियो में रखनी है, उसके लिए भी आएंगे, बट पहले रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आया है उसे पार्टनर्स में बांट दें। आइए, तो यहाँ पर पहले तो लिखो एसेट रिवैल्यूड, ये नरेशन आ गई। इसके बाद ये जो लॉस है हमारा 18,000 का डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन, ये लॉस पार्टनर्स में बांट दें, और किस रेशियो में बटेगा? आज तक की चीज़ें, आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में। आइए इसको बांटें हम लोग, और एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लीजिए, एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आपने रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया था, जो डेबिट बैलेंस था, वो पार्टनर्स में बांट दिया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, हमने इसको पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। 18,000 का लॉस है, ज़रा 18,000 को 6 से डिवाइड करो, फिर 3,000 आ गया, तो 3,000 को 3 से यानी 9,000, ठीक है, और 3,000 को 2 से यानी 6,000, और 3,000 को 1 से यानी 3,000, इस रेशियो में आपने ये बांट दी चीज़ें, ठीक है जी। इसके बाद आगे चल सकते हैं अब हम लोग, आगे चलिए, आगे क्या करेंगे आप बताइए, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ये तो हो गया सारा काम, बस अब एक आखिरी चीज़ बची है कैपिटल एडजस्टमेंट की। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालें इनकी कि कितनी आ रही है। आइए अगला वर्किंग नोट बना रहे हैं आप लोगों के साथ, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू PSR। न्यू PSR में हम कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हमें निकालनी होगी कि इनकी आज की कैपिटल कितनी है सारी एडजस्टमेंट होने के बाद। तो देखिए हमारे पास पार्टनर हैं ए, बी और सी, इसमें हमारे पास, और इनकी ओपनिंग कैपिटल लिख लो सबसे पहले। ओपनिंग कैपिटल अगर बुक में देखें तो है 50,000, 40,000 और 30,000। 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस ओपनिंग कैपिटल में आप लोग क्या करेंगे बताइए? इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हुई हैं देखो। एक तो गुडविल का हुआ है एडजस्टमेंट, प्लस माइनस गुडविल एडजस्टमेंट हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, ए को 50,000 मिले हैं तो इसके यहाँ प्लस हो गए, और सी को 50,000 देने पड़े हैं तो इसके यहाँ पे माइनस हो गए। उसके बाद आपके पास रिजर्व फंड मिला है आप लोगों को, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 9,000, 6,000 और 3,000। ऐसे ही रिवैल्यूएशन का लॉस भी एडजस्ट हुआ है, रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो एडजस्ट हुआ, वो कितना था? वो 9,000 था, 6,000, क्योंकि दोनों ही अमाउंट 18,000 आए हैं, तो ये आपस में कट भी सकते हैं, आप काट के भी दिखा सकते हैं, कैलकुलेशन में ना लेकर आओ, बट एनीवेज बताना तो पड़ेगा ये। चलिए अब देखिए, अब इनको नेट कर लो। ये जो नेट करोगी ये क्या आएगी? एग्जिस्टिंग कैपिटल आ जाएगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारे पास आएगी ये। चलिए जी निकालो, ये दोनों कैंसिल हुए तो ये 1,00,000 रुपये आ गया टोटल में। यहाँ पर देखो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं तो ये 40,000 आ गया, और यहाँ पर देखो तो ये एक दूसरे से कैंसिल हुए और माइनस में था, यानी ये माइनस का 20,000 आ गया, नेगेटिव में 20,000 आ गया। चलिए ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आई, अगर इनका टोटल करें, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल की बात करें तो हमारे पास 1,00,000 प्लस में 40,000 प्लस में नेगेटिव 20,000, यानी माइनस हो जाएगा। 1,40,000 में से 20,000 गए तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 1,20,000 ही आ जाएगा। तो 1,20,000 हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अब इस कैपिटल को हमें नई रेशियो में रखना है, तो इस अमाउंट को हम न्यू PSR में बांटें। डिस्ट्रीब्यूटिंग रुपीज़
120,000 इन न्यू PSR, दैट इज इक्वली इक्वली अगर बांटेंगे तो ए बी और सी को कितना मिल जाएगा, 1,20,000 के जरा 3 हिस्से करो तो 40 40 40, 3 हिस्से हो गए 40,000, 40,000 और 40,000, ये तो क्या आ गई न्यू कैपिटल। ठीक है, अब इसमें ये न्यू कैपिटल है, इसमें यहाँ पे कंपेयर करो इसे एग्जिस्टिंग के साथ। एग्जिस्टिंग कैपिटल आपको गिवन है ऊपर 1,00,000 रुपये, 40,000 और ये है नेगेटिव में 20,000 रुपये। अब देखो आपने एक 40,000 करना है कैपिटल को, तो यहाँ करंट अकाउंट में क्या करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे ना इसको, तो 1,00,000 करना है फिलहाल, नहीं 40,000 करना है फिलहाल, 1,00,000 है तो 60,000 कर कैपिटल से कर माइनस होंगे, यानी आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। करंट अकाउंट को क्या करेंगे, देखो कैपिटल को कम करना है डेबिट करना है, तो करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका। अगर ऐसे समझ ना आए तो एक और तरीका भी ले सकते हैं आप लोग, ये समझ नहीं आ रहा तो देखो ऐसा भी करके देख लेना कि आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, आपने न्यू तो निकाल ही ली ना, यानी कि ऐसे काम करो आपने ये न्यू कैपिटल तो निकाल ही ली है। ठीक है, अब न्यू को आप कंपेयर करें एग्जिस्टिंग के साथ, एग्जिस्टिंग और इसमें एडजस्टमेंट क्या करें कि न्यू के बराबर आ जाए। ठीक है, ये प्लस माइनस एडजस्टमेंट की बात चल रही है यहाँ, तो देखो एग्जिस्टिंग कितनी है ए बी और सी की, एग्जिस्टिंग थी 1,40,000 और नेगेटिव में 20,000 रुपये। ठीक है, हमें चाहिए कितना, हमें 40,000 चाहिए तीनों, 40 40 40, तो देखो 1,00,000 है 40 चाहिए, तो क्या करो 60,000 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या होगा, ये कैपिटल कम हो जाएगी, करंट अकाउंट में बढ़ जाएगा जाके पैसा, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस जीरो कुछ नहीं करना, 40 थी 40 है, यहाँ पर नेगेटिव में 20 है और चाहिए प्लस में, यानी यहाँ प्लस में 60,000 करेंगे और ये भी इसके करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। अब यानी एडजस्टमेंट आपकी ये होंगी दो करंट अकाउंट से। ठीक है, एक तो क्या होगा, ए जो है वो लेकर जाएगा, ए के कैपिटल से घटाना है सी के कैपिटल में बढ़ाना है। आइए इसकी एंट्री और कर दें आपके साथ, तो सुनो ध्यान से, फिफ्थ एंट्री जो हम कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, ए की कैपिटल से क्या है लेकर जाना है, तो ए की कैपिटल को कम कर दो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट कितना रुपए, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये कम कर दिए आपने ये। ठीक है, चलिए और क्या को नरेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल एडजस्टेड, ये एक पार्टनर की भी है दूसरे पार्टनर की भी एडजस्ट करनी है, वो क्या करेगा, वो लेकर आएगा क्योंकि उसकी नेगेटिव में बैलेंस है कैपिटल का, तो वो क्या करेगा लेकर आएगा, तो करंट अकाउंट से लाएगा या करंट अकाउंट यूज होगा, करंट अकाउंट सी का यूज हो गया, टू क्या आएगा सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए कितना हो गया जी 60,000 रुपये, ये कैपिटल में आ गया, इस एंट्री से क्या हो गया हमारी कैपिटल भी एडजस्ट हो जाएगी और नरेशन क्या आ जाएगी कैपिटल एडजस्टेड। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको अगर चाहिए एंट्रीज तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, ये पहली एंट्री है जहाँ हमने रिजर्व फंड बांटा है, ये दूसरी एंट्री है जहाँ पे हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया है, तीसरी एंट्री में हमने रिवैल्यूएशन किया है एसेट को, फोर्थ में हमने रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में बांट दिया, फिफ्थ एंट्री में और सिक्स्थ एंट्री में हमने कैपिटल को एडजस्ट किया है, जिसका वर्किंग नोट भी रेफरेंस दे दो, वर्किंग नोट नंबर टू, वर्किंग नोट नंबर टू। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं, आपको चाहिए तो मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये जो पहला था आपका ये गुडविल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाया हुआ है और दूसरा जो है ये कैपिटल एडजस्टमेंट का है। सबसे पहले क्या किया आपने, आज की कैपिटल निकाली कितनी है, ठीक है टोटल, उसे टोटल किया, फिर इस टोटल को नई PSR में बांट के देखा तो ये आया। अब नई PSR के लिए हमने देखा कि इतना है इतना चाहिए तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे, करंट अकाउंट के साथ उसे कर लिया। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।